दस रुपया मैं पेट्रोल से लूट लूं, 3 रुपया मैं डीजल से लूट लूं, और उधर से ही मैं कमीशन खाने के लिए खाना का पैकेट खरीदना शुरू करूं, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू करे। अरे भाई, ये तो पूरा पूरी कांग्रेसी टेक्निक है। मैं 22 साल कांग्रेस हर प्रदेश में चुनाव का पहले कांग्रेस कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का स्कीम निकालता है और चुनाव का खर्चा उधर से ही निकाल लेता है। ये जो अन्नपूर्णा पैकेज है वो गरीबों के लिए नहीं है, ये जो पैकेज है किसी का जेब बड़ा करने के लिए ही ये पैकेज निकाला जा चुका है। अगर आपको निकाला था 5 साल पहले, क्यों आपने नहीं निकाला? कोरोना समय में हर लोगों का खाने का प्रॉब्लम हुआ था, कोरोना काल में आपने क्यों ये अन्नपूर्णा पैकेज नहीं निकाला? जब हर लोग चाह रहा था कि सरकार मुझे कुछ दे, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का समय फ्री रेशन नहीं दिया है, कोरोना का समय से ही लोगों को बिना पैसा का रेशन दे रहा है। इलेक्शन है या इलेक्शन नहीं, चुनाव से गरीब कल्याण का संबंध नहीं होता है, चुनाव से गरीब कल्याण का संबंध नहीं होता है। 5 साल का स्कीम बनाया जाते हैं कि हम सरकार में आया और 5 साल में काम करूंगा और मेरा समय में इतना करोड़ गरीबों से मिडिल क्लास बनेगा। मैं गहलोत जी को प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप भारत का सर्व, आपका उम्र और आपका अभिज्ञता ये सब कुछ मिला के अब हमसे बहुत बड़ा है। मैंने 2.5 साल सीएम हुआ, आप 15 साल सीएम रहा, कि आपको ये दुख नहीं लगता है कि आप वोट के लिए लोगों को पैकेट देने का सिचुएशन हो जाता है? आपको तो राजस्थान का लोग ऐसे ही वोट देना चाहिए था, आप लोगों से डीजल से भी छुड़ाएगा, पेट्रोल से भी महंगा करेगा और वही पैसा का कुछ आप थोड़ा बहुत वहां रख देगा और बाकी पैसा आपका अपना काम के लिए आप खर्चा करेगा। भाई और बहनों, आज देश का सबसे अनमैनेज और सबसे बुरा हाल वाला प्रदेश तक राजस्थान अशोक गहलोत जी ने राजस्थान को लेके गया। भाई और बहनों, राजस्थान का चुनाव हुआ था, राहुल जी ने बोला था कि मैं 10 घंटी करो, 10 दिन में किसान का कर्जा मैं माफ कर दूंगा। किसी का माफ हुआ है कर्जा? किसी का हुआ है? आप देखो, एक पार्टी का जो नेता प्रधानमंत्री होने का सपना देखता है, हालांकि भारत में कभी प्रधानमंत्री नहीं हो पाएगा, सूरज और शान में होगा तो मैं नहीं जानता हूं, अगर वो नेता आके झूठ बोलता है तो लोगों का राजनीति का ऊपर क्या विश्वास रहेगा?